हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अगर कोई पत्नी किसी पति के खिलाफ फर्जी एफआईआर दर्ज करवाती है तो एफआईआर दर्ज होने के बाद विवेचना कैसे होती है और इसका जजमेंट कैसे होता है, यानी कि एफआईआर होने से लेकर विवेचना होने तक, जजमेंट होने तक का पूरा डिटेल मैं इस वीडियो के अंतर्गत देने वाला हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखें। मैं आपका दोस्त जानकी निषाद एडवोकेट, सिविल कोर्ट आजमगढ़। आप सभी का इस यूट्यूब चैनल लाइव कृष्ण जी के में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कि अगर कोई पत्नी किसी पति के ऊपर फर्जी एफआईआर दर्ज कराने के लिए थाने में एप्लीकेशन देती है तो क्या होता है। दोस्तों, सबसे पहले अगर पति पत्नी में कोई मन मोटाव हो गया हो तो आपस में समझ करके, आपस में बैठ करके, बातचीत करके मामला हल कर लेना चाहिए, क्योंकि कभी भी पुलिस थाना चक्कर में या कोर्ट के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ये आपका पारिवारिक मैटर है, इसको समाज में ना उछाले तो ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, जब पानी सर के ऊपर चढ़ जाता है, पति और पत्नी में इतना मनमुटाव हो जाता है कि लोग थाने का रुख करते हैं, कोर्ट का रुख करते हैं। ऐसे में अगर कोई महिला थाने में जाकर एप्लीकेशन देती है कि फला मेरे पति ने मेरे को मारा पीटा है और प्रताड़ित किया है, मानसिक क्रूरता किया है, जो कि सेक्शन होता है 498 AIPC 323, 504, 506 और 3/4 DPP एक्ट के तहत मामला दर्ज करने के लिए एप्लीकेशन दे देती है। अब दोस्तों, बात यह आती है कि क्या थाने पर एप्लीकेशन देते ही एफआईआर दर्ज होता है? जी नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं। अगर आपकी पत्नी ने थाने पर एफआईआर दिया है तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस काम आती है कि एफआईआर दर्ज करने से पहले पुलिस वाले कोर्ट में, सॉरी, थाने में पति को बुलाते हैं। पति और पत्नी का आपस में समझौता करने का प्रयास करते हैं कि मामला किसी तरह निपट जाए, सलट जाए। ऐसे में जब पुलिस आपके पास आती है तो भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस के अनुसार 498A के मामले में पति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, जेल नहीं जा सकता है, जब तक कि पूरा मामले की विवेचना ना हो जाए। ऐसे में आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप थाने में जाइए, अपनी बात रखिए, आप बताइए कि हाँ, मेरी पत्नी से थोड़ी मोड़ी झगड़ा हुआ था, वो मायके चली गई थी, लेकिन अब पता नहीं क्यों वो अब फिर थाने में आ गई, मुझको नहीं पता है, मेरा कोई दोस्त नहीं, मैंने उसको मारा पीटा नहीं है, ना ही कभी दहेज के लिए प्रताड़ित किया है। तो दोनों में मामला बनाता है, पहले तो कोर्ट चाहती दोनों सिमट जाए आपस में, बातचीत करके किसी तरह आपस में घर बसा ले, घर गृहस्थी बसा ले। लेकिन ऐसा नहीं होता, कभी कभी क्या होता है कि दोनों अलग होना चाहते हैं, तो दोस्तों वहीं पर आप लोग तुरंत अलग हो जाएं, एक दूसरे से डाइवोर्स के लिए जाकर कोर्ट पर म्यूचुअल डाइवोर्स दाखिल करके आप लोग 13 हिंदू मैरिज एक्ट 13B के तहत आप डाइवोर्स ले सकते हैं। समय भी बचेगा, आप पैसा बचेगा और उम्र समय दोनों बच जाएगा, आप सुरक्षित रहेंगे अगर एक साथ नहीं रहना है तो। दूसरी बात दोस्तों, अगर मामला नहीं निपटता है या इससे भी नहीं, तो पुलिस को मजबूरन एफआईआर दर्ज करना होता है आईपीसी के सेक्शन 498A में डीपी एक्ट के अंतर्गत, जो कि पति के रिश्तेदारों द्वारा पत्नी के खिलाफ क्रूरता का मामला बनता है और दहेज उत्पीड़न का मामला बनता है। अब दोस्तों, एफआईआर दर्ज हो गई है आपकी, अब एफआईआर दर्ज होने के बाद क्या होगा? दोस्तों, सबसे पहले एफआईआर होने के बाद विवेचना प्रारंभ की जाएगी, पति पत्नी का 161 के अंतर्गत बयान लिया जाएगा, क्या उसका बयान आता है, उसको कितना मारा पीटा गया, सब बकायदे एक बयान होता है। अगर पत्नी को चोट लगी है, पीड़िता को चोट लगी है, तो उसका मेडिकल होगा, मेडिकल होने के बाद जितने भी गवाह होंगे उस सब गवाह देंगे, और उसके बाद नक्शा नजरी बनाई जाएगी। IO महोदय जो विवेचना करेंगे वो जाएंगे, जा करके घटना स्थल की जांच करेंगे कि फला जो घटना स्थल है, मान लीजिए एक घटना स्थल बनाते हैं, इसके चौहद्दी क्या है, इसमें कौन किसका घर किधर है, कौन पहले था, वहां पर गवाह ले लेंगे। अगर गवाह नहीं मिलेगा कोई, तो पुलिस वाले ही गवाह बन जाते हैं कि हाँ भाई, हमने यहाँ पर घटना स्थल पर गया था। ठीक, घटना स्थल बन गई, अब 161 का बयान भी हो गया, सभी गवाहों की लिस्ट तैयार हो गई और चार्जशीट बन के कम्प्लीट। लेकिन हाँ, उसके पहले जब 161 का बयान हो जाता है तो पति को और उसके जो परिवार वाले होते हैं उनको 41A की नोटिस पुलिस द्वारा दी जाती है। 41A की नोटिस ये होती है कि आपको इतला दिया जाता है कि आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, आप कोर्ट में जाकर के अपनी सफाई करिएगा इस तारीख को। ठीक है, तो 41A पर नोटिस पर साइन कर लीजिए, आप सुरक्षित रहेंगे। अब आप जाइए, अब चार्जशीट लग जाती है कोर्ट में, कोर्ट में चार्जशीट जाएगी, वहां पर संज्ञान होगा और सम्मन इश्यू होगा अभियुक्त को बुलाने के लिए, जो पति होता है उसको बुलाने के लिए, उसके परिवार वालों को।
समन होगा, बीडब्ल्यू होगा, एनबीडब्ल्यू होगा, सारी प्रोसेस होगी, जब तक आप हाजिर नहीं होते हैं। अब मान लीजिए आप हाजिर हो गए, आपने जमानत कराने के लिए जमानत अप्लीकेशन डाल दिया, तो अक्सर देखा जाता है कि 498A के मामले में पति को छोड़कर बाकी सबकी जमानत 100% हो जाती है, लेकिन पति की एकाध दिन के लिए जेल जाना पड़ सकता है। अगर आप अच्छे से आर्गुमेंट कर ले गए तो आपको जेल नहीं जाना पड़ेगा, आपका अच्छा एक वकील होना चाहिए जो कि आपको जेल जाने से बचा सके। दूसरी बात, आप अंतरिम की दरखास्त भी दे सकते हैं बेल लेने के लिए। मेरी अंतरिम की दरखास्त रहेगी, अंतरिम का मतलब ये होता है कि आप अंतरिम दरखास्त लेकर के अपनी फाइल को मेडिएशन भिजवा करके वहां सुलह समझौता कर सकते हैं, जिससे कि आपको आसानी होगी, मुकदमा खत्म हो जाएगा। दूसरी बात दोस्तों, अब यहाँ मामला आपकी अगर बेल हो गई है, बेल होने के बाद चार्ज बनता है, चार्ज बनाया जाता है। चार्ज में होता है कि फला एलिगेशन धारा 323 आपने मारा पीटा है क्या है, या आपके ऊपर लगाया गया क्या है, आपने सही किया, तो आप बोलेंगे नहीं। ऐसे ही सारे एलिगेशन बताए जाएंगे। क्या आप विचारण चाहते हैं, तो आप कहेंगे जी हाँ मैं विचारण चाहता हूँ, तो आपका विचारण शुरू कर जाता है। अब चार्ज बनने के बाद आपका जो है गवाही होगी, गवाही लड़की पक्ष से होगी कि मतलब चाहे गवाह वो पेश करेगी, समन जारी होगा, समन साक्षी को लड़की बयान देगी अपना आकर के, उसकी माँ या पिता जो भी होंगे, जो गवाह लिस्ट होगी, गवाह लिस्ट में बाकायदे नाम होता है सबका, वो गवाही करेंगे। गवाही हो गई, अब फाइल जाती है गवाही के बाद सीधे 313 में। 313 में आपका सफाई साक्ष्य होगा कि आप अपनी तरफ से भी कोई साक्ष्य देना चाहते हैं, और ये भी होता है 313 में कि आपके ऊपर इतना इतना एलिगेशन लगा है, आप जो भी इतना गवाही में हुआ सब कुछ नकारिए, नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, ये सब झूठा, ये ब्लेम मेरे ऊपर लग रहा है। आपकी सफाई साक्ष्य हो गई, आपने किसी गवाह को ऐसा पेश किया जो कि यह साबित कर दे कि हाँ इसने मारा पीटा नहीं था, यह वहां पर मौके पर नहीं था, या इसको प्रताड़ित नहीं किया जाता था। अब दूसरी बात, जब सब कुछ फाइल कंप्लीट हो गई तो सीधे जाएगी बहस में। बहस में आप अपने अच्छे वकील के माध्यम से अच्छे से उसको बहस करवाइए, आप उन पॉइंटों को बताइए जिसमें आपने उसको कभी मारा पीटा ना हो या आप उसको प्रताड़ित ना किया हो, अन्य सभी तथ्यों को समेहित करते हुए चलिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब फाइल बहस में हो गई, फाइल बहस के बाद जजमेंट में जाती है, जजमेंट के बाद फैसला होता है। फैसला अगर आपके पक्ष में आया तो ठीक है, अगर आपके पक्ष में नहीं आया तो आपको सजा हुई है तो आप उसके खिलाफ अपील कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं आप उसके हाई कोर्ट में, जैसे सेशन कोर्ट में आप जा सकते हैं, बचाव हो सकता है। अगर वहां से भी आपको राहत नहीं मिली तो आप सीधे हाई कोर्ट का रुख कर सकते हैं। लेकिन जहां तक देखा जाता है, अगर जो फर्जी मामले होते हैं 498A के, अक्सर उसमें केस छूट जाता है जिससे आप बाइज्जत बरी हो जाते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो हमने काफी स्पीड मात्रा में जाना, तेजी से जाना कि पूरा 498 का क्या प्रोसीजर होता है और कैसे ट्रायल इसका चलता है। तो दोस्तों आशा करते हैं वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं रोजाना रोजमर्रा की जिंदगी से जो जूझते हैं आप लोग, ऐसी ही वीडियो अपलोड करता हूं आपके लिए, जो कि आपके समाज के लिए, सबके लिए लाभदायक होती है। इस वीडियो को देखने के बाद आप ऐसे कृत्य को करने से बचे जिससे आपका अहित हो रहा हो। चलिए दोस्तों मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे चैट के माध्यम से बात कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।